इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम। तो जैसे हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है इन फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा या फिर डिजिटाइज सिग्नल, वो किस तरह से मतलब सेंड होता है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। तो पहले तो एक ट्रांसमीटर होगा या फिर सेंडर होगा जो डेटा भेजेगा, उसके बाद बीच में है कम्युनिकेशन चैनल और जिसको अदरवाइज बोला जाता है मीडियम, उसी के थ्रू डेटा पास करके रिसीव होगा बाय द रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने प्रॉपर्टी हैं इम्पॉर्टेंट, तीन। वन इज ट्रांसमीटर विच कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन इनटू सिग्नल सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफर्स इट टू द मीडियम। तो पहले क्या करता है कि ट्रांसमीटर एक सिग्नल को सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू भेजता है। रिसीवर क्या करता है, रिसीवर रिसीव्स द एनर्जी फ्रॉम द कम्युनिकेशन मीडियम एंड कन्वर्ट दैट टू सूटेबल फॉर्म फॉर डिलीवरी। तो रिसीवर भी जो डेटा आता है मीडियम के थ्रू उसको रिसीव करके कन्वर्ट करता है फॉर अ सुइटेबल फॉर्म फॉर द फर्दर प्रोसेस और फॉर द डिलीवरी। और नेक्स्ट है मीडियम। तो मीडियम क्या होता है कि जिसके थ्रू हमारा डेटा सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट होता है या फिर पास करता है। ठीक है, एंड देर आर थ्री थिंग्स विच कैन डू बैड इफेक्ट टू द डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम। तीन चीज है, तीन नहीं चार चीज है जो कि विच कैन गेट अफेक्टेड बाय। तो फर्स्ट थिंग है जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गया, तो बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी द ट्रांसमिशन सिस्टम कैन गेट अफेक्टेड। एंड अगर आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, देन ऑल्सो द ट्रांसमिशन सिस्टम गेट अफेक्टेड। देन नेक्स्ट है नॉइज, अगर कोई नॉइज होता है मीडियम के बीच में या फिर बैंडविड्थ में कोई गड़बड़ होता है, कम ज़्यादा होता है, तो भी ट्रांसमिशन सिस्टम कैन गेट अफेक्टेड।